नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से। आपको बता दें कि आज जो है नवरात्रों का दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं जो कुट्टू का आटा लोग खाते हैं नवरात्रों में, उसका कहर ज़रूर लोगों के सर पर मंडरा रहा है। आपको बता दें कल रात देर 11 बजे के आसपास जो है हरियाणा के करनाल शहर में जो है बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं जिन्होंने दोपहर को कुट्टू का आटा खाया था और उसकी वजह से रात को उनको उल्टियाँ या फिर चक्कर आना, फूड पॉइजनिंग तक जो है उनको हुई है। आज से पहले भी कई सारे केसेस ऐसे आए हैं और अभी नवरात्रों के दिनों में एक और दो चार और केसेस सामने आए हैं। इस वक्त हम कल्पना चावला हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, कुट्टू के आटे से जो है अब केसेस सामने आ रहे हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअल में कल रात को हमारे पास लगभग 20 से 25 पेशेंट कल्पना चावला हॉस्पिटल में आए हैं जिनकी मेन प्रॉब्लम थी कि उन्होंने व्रत रखने के बाद कुट्टू के आटे की रोटी खाई है, पर कुट्टू के आटे की रोटी खाने के बाद उनको उल्टी आना, चक्कर आना, शरीर कपकपाना, कुछ इस तरह के सिम्टम्स थे। और वो लगातार पेशेंट जो आ रहे थे वो एक ही परिवार के चार चार पांच पांच लोग इस तरह से आ रहे थे। क्लस्टर्स में पेशेंट हमारे पास आए हैं तो उन सब पेशेंट्स को हमने यहाँ पर एडमिट किया है। कुछ पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास अभी यहाँ पर एडमिटेड हैं, अभी वो सब लगभग स्टेबल हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि कुट्टू के आटे की वजह से ऐसा क्या कुछ हो रहा होगा कि पेशेंट्स को जो है चक्कर आना या फिर उनका शरीर कंपन होना, ऐसा कुछ क्या हो रहा होगा? हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल हेल्थ जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे उनको लेके वो जो आटा है उसकी जाँच करेंगे, उसको एक बार देखेंगे कि क्या कुछ है, उसकी लैब रिपोर्ट जो भी होगी उसकी तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि जो सिम्टम्स आए हैं क्या उसी कुट्टू के आटे की वजह से आए हैं या कुछ और कारण भी इनका हो सकता है। तो पहले भी आए हैं सर कुछ ऐसे पेशेंट? नहीं, इस बार हमारे पास पहली बार ही आए हैं। मेरा लोगों से यही अपील है कि जो भी आप कुट्टू का आटा खरीदें वो एक अच्छी दुकान से खरीदें, अच्छी पैकिंग वाला खरीदें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। ऐसा आटा ना लें जो खुला हो, जो खुले में मिलता हो और जो ख़राब हो सकता हो। तो सभी करनालवासी से मेरी अपील है कि कृपया करके जो भी आटा खरीदें आप देखकर, सोच समझकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट करके खरीदें। थैंक यू। जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कल रात को जो है पहला ही दिन अभी इसका नवरात्रों का हुआ था और कल में जो है 20 से 25 कुट्टू के आटे खाने की वजह से जो लोगों को बीमारियां हुई हैं वे केसेस सामने आए हैं। तो आप सभी से भी अपील यही रहेगी कि अगर आप कुट्टू के आटे की रोटी खा रहे हैं तो ऐसी जगह से लें जहाँ पर जो है पैकिंग में कुट्टू का आटा मिलता हो और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, या आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था, हम कल्पना चावला हॉस्पिटल में मौजूद थे और हमने डॉक्टर से बात करी है और उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि कल रात को जो है 25 से 30 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन्होंने कुट्टू के आटे का सेवन किया था और उन्हें चक्कर आए या फिर उनके शरीर में कंपन हुई जिसकी वजह से वे आज जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आप सभी जो हैं कुट्टू के आटे का सेवन ज़रूर करें या फिर ना लें तो आप सभी के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि हर साल जो है श्रद्धालु पूरे साल इंतज़ार करते हैं इन 9 दिनों का, नवमी इनका इंतज़ार करते हैं और वैष्णो माता की पूजा के लिए, अर्चना के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो है 9 दिन की फास्टिंग पे रहते हैं और कहीं ना कहीं रोज़ जो है कुट्टू के आटे का सेवन ज़रूर किया जाता है इन 9 दिनों में, पर यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूर हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि कल रात भी जो है ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन्होंने दोपहर में कुट्टू के आटे का सेवन ज़रूर किया था पर रात होते तक उनको जो है चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं और शरीर में कंपन महसूस होती है जिसके चलते वो है कई सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो है कोरोना का खतरा जो है लोगों के सर पर मंडरा रहा है और ऐसी महामारी के चलते जो है कुट्टू के आटे से होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं सामने आती हैं। आप सभी से अपील कि अगर आप कुट्टू का आटा खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो फुली पैक्ड हो और उस पर एक्सपायरी डेट का ज़रूर ध्यान रखें, वरना आपको भी जो है फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां आपको भी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि 9 दिन में जो है इन कुट्टू के आटे का सेवन कम करें या फिर ना लें तो ये आप ही के लिए ही सही रहेगा। आपको अपनी स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि कल भी जो है बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं और आज भी
कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर कुट्टू के आटे की वजह से जो है बीमारियां सामने आ रही हैं। हमने इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें कल्पना चावला हॉस्पिटल के अंदर से दिखाई थी, जहां पर डॉक्टर ने भी बताया था कि कई सारे केसेस सामने आए जिसमें कि लोगों को जो है उन्हें पहले मालूम नहीं था कि कुट्टू के आटे की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसी के दौरान आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले जो है ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिसमें एक ही परिवार के 5 से 6 व्यक्तियों को कुट्टू का आटा खाने की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी और सभी हॉस्पिटल में एडमिट ज़रूर हुए थे। वहीं कल जो है नवरात्रों का पहला दिन अभी पूरा हुआ था और रात में ही ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो आपको भी जो है इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कुट्टू का आटे का सेवन कम से कम रखें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको फास्टिंग भी करनी है तो फ्रूट्स जैसी चीज़ों का, जूसेस का जो है ज़्यादा सेवन करें और अपना ध्यान ज़रूर रखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी श्रद्धालु व्यक्ति जो हैं जो फास्टिंग पर हैं वो कुट्टू के आटा जो है कम से कम इस्तेमाल करें। आप सभी से अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। मेरा भरता कुट्टू का आटा मंगवाया था, उससे मेरे और दो मेरे बेटे को तकलीफ हुई, नुकसान हुआ मेरे को, मैं परेशानी हुई, तो ये आटा जो है ठीक नहीं है, किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए, ये आटा से और लोगों को बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश भारद्वाज, सन ऑफ श्री SP अशोक भारद्वाज जी, मैं आप लोगों से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि कुट्टू के आटे से खाने से का परहेज करें। कल रात कुट्टू का आटा सेवन करने की वजह से हम सब घर वालों का फूड पॉइजनिंग और काफ़ी हम बीमार हो गए। एडमिट रात को हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि COVID-19 के घर घर ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो हमने घर में ही ट्रीटमेंट लेने की सोची। तो फादर साहब मेरे ठीक हैं आप, एंड मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि थोड़ा कुट्टू का आटा सेवन करने से बचें, और दुकानदारों भाइयों से भी ऐसे अपील करूँगा कि थोड़ा ना ही दें तो ठीक है। धन्यवाद।